नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। चलिए आज फिर आपके लिए बॉलीवुड की कुछ और इंटरेस्टिंग स्टोरीज लेकर आई हूँ। आई होप आपको पसंद है। लगातार हिट के बाद काम को तरसी एक्ट्रेस, ब्लॉकबस्टर से किया भार और फिर 200 करोड़ी फिल्मों से कर दी बोलती बंद। आज 17 मई को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं नुसरत। आज भले ही पहचान की मोहताज नहीं है, लेकिन इस मुकाम आने के लिए उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उनकी लाइफ में एक वक्त था जब लोग उन्हें छोटे मोटे रोल के लिए अप्रोच किया करते थे। इसके बाद उन्हें भी पनौती कह उनके हाथ से फिल्में छीनी जाने लगी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। लगातार बैक टू बैक फ्लॉप फिल्म देने के बाद डिप्रेशन में चली गई थी, लेकिन तभी उनकी लाइफ में चमत्कार हुआ और उनकी किस्मत ने उनका साथ दिया था। बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस नुसरत बरूचा का जन्म 17 मई 1985 को मुंबई के दाऊदी बोहरा परिवार में हुआ था। नुसरत के पिता तनवीर बरूचा एक जाने माने बिजनेसमैन हैं। फिल्मों में नुसरत ने अपनी अलग ही पहचान बनाई है। नुसरत फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले टीवी की दुनिया पर राज किया करती थी। उन्होंने करीब 8 साल तक टीवी की दुनिया में काम किया है। हिंदी के अलावा उन्होंने तेलुगु भाषा में भी कई टीवी शोज भी किए हैं। हालांकि उन्हें असली पहचान फिल्म में आने के बाद ही मिली थी। साल 2002 की टीवी शो किटी पार्टी से नुसरत ने काम शुरू किया था। वह जय संतोषी माँ, जिंदगी कहीं गम है, कल किसने देखा, ताजमहल जैसे शोज के लिए फेमस है। नुसरत ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आई फिल्म लव सेक्स और धोखा के साथ की थी। इस फिल्म में लोगों ने उनके रोल और एक्टिंग को खूब प्यार दिया था। एकता कपूर की इस फिल्म में पहली बार नुसरत बरूचा को नोटिस किया गया था। लव सेक्स और धोखा के बाद उन्होंने कार्तिक आर्यन के साथ एक और हिट फिल्म दी थी, जिसका नाम था प्यार का पंचनामा। प्यार का पंचनामा नुसरत के करियर की दूसरी सबसे बड़ी हिट फिल्म थी। छोटी बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई भी की थी और यह फिल्म साल 2011 में रिलीज हुई थी। लगातार 2 हिट फिल्में देने के बाद नुसरत आकाशवाणी, डर द मॉल माँ फ्लॉप फिल्म दे डाली थी। इन फिल्मों के फ्लॉप होते ही उनके हाथ से अनिल कपूर की ब्लॉकबस्टर फिल्म छीन ली गई थी। नुसरत ने एक इंटरव्यू में भी बताया था कि अनिल कपूर की फिल्म स्लमडॉग मिलेनियर के लिए पहले अप्रोच किया गया था, लेकिन बाद में मेकर्स ने उन्हें निकाल दिया था। डायरेक्टर डेनी बॉयल ने नुसरत से माफ़ी मांगते हुए कहा था कि वह एक शानदार एक्ट्रेस हैं, लेकिन जिस तरीके का किरदार वह अपनी फिल्म के लिए ढूंढ रहे हैं उसमें वह फिट नहीं हो पा रही हैं। लेकिन साल 2015 में उनके लिए फिर लकी साबित हुआ। उन्होंने कार्तिक आर्यन के साथ प्यार का पंचनामा 2 में जैसी हिट फिल्म दे डाली। तीसरी बार आर्यन के साथ एक्टिंग करके उन्हें फिर से सफलता मिली। यह फिल्म उनके पहली सुपरहिट साबित हुई थी, जिसमें दुनिया भर में 88 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की थी। नुसरत की लाइफ में यह दूसरा टाइम था जब सदमे में चली गई थी। प्यार का पंचनामा 2 के रिलीज के बाद नुसरत को 3 साल तक कोई फिल्म नहीं मिली। उन्होंने इस दौरान साउथ फिल्मों की तरफ रुख जरूर किया, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिली थी। इसी दौरान नुसरत काफ़ी डर गई थी। उन्होंने एक इंटरव्यू में भी बताया था कि लगातार हिट देने के बाद उन्हें लगा कि बॉलीवुड में उनका करियर अब खत्म हो गया है। वह खालीपन की वजह से डिप्रेशन में चली गई थी। 3 साल बाद एक बार फिर से नुसरत के करियर का उदय हुआ और उनके हाथ एक ब्लॉकबस्टर फिल्म हाथ लगी थी। 2018 में लव रंजन और भूषण कुमार की रोम कॉम सोनू के टीटू की स्वीटी में आर्यन और सनी सिंह के साथ एक ग्रे शेड किरदार निभाने के बाद नुसरत को काफ़ी पॉपुलैरिटी भी मिली थी। इस फिल्म ने दुनिया भर में 200 करोड़ रुपए की कमाई की थी, जबकि भारतीय बॉक्स ऑफिस पर इसकी कमाई 150 करोड़ रही थी। इसी के साथ ये फिल्म नुसरत के लिए करियर की पहली 100 करोड़ी फिल्म भी बन गई थी। साल 2019 में नुसरत आयुष्मान खुराना के साथ फिल्म ड्रीम गर्ल में आई थी। इस फिल्म ने ऑडियंस का दिल जीत लिया था और ये फिल्म एक्ट्रेस के करियर की दूसरी 100 करोड़ी फिल्म भी बन गई थी। ड्रीम गर्ल की बेशुमार सफलता के बाद एक्ट्रेस ने कई फिल्मों में काम किया है। आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।